हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल जनाइटल ऑर्गन्स अब हम पढ़ेंगे इंटरनल जनाइटल ऑर्गन्स इंटरनली कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में फर्स्ट है बेजाइना सेकंड यूट्रस थर्ड ओवरी एंड फोर्थ फेलोपियन ट्यूब अब हम ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं या फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की मीनिंग द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स आर लोकेटेड विद इन पेल्विक कैविटी जितने भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब कहाँ प्रजेंट होते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर बी आर सीज दिस स्ट्रक्चर वाई यूजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लेप्रोस्कोप और हम इन सारे स्ट्रक्चर को किसके थ्रू देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी या फिर किसी लेप्रोस्कोप के थ्रू इन सारे स्ट्रक्चर को हम विजुलाइज कर सकते हैं लेकिन हम जब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं या देखते हैं तो हमें उसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं पड़ती है उनको विजुअलाइज करने के लिए फ़र्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें वजाइना वजाइना क्या है जितने भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में सबसे पहले कौन आता है वजाइना वजाइना इज़ द फाइब्रो मस्क्युलर ट्यूब वजाइना क्या है एक फ़ाइब्रो मस्क्युलर ट्यूब है यह ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है लाइन विद द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमासपिथीलियम जो किसकी बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्टेटिफाइड इस्क्मासपिथीलियम की बनी होती है नेक्स्ट है द वेजाइना लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एट बिहाइंड जो वेजाइना है वो कहाँ सिचुएटेड होती है इसके जो फ्रंट में होता है वो क्या होता है यूरिनरी ब्लेडर और इसके बिहाइंड क्या प्रेजेंट होता है रेक्टम इट रंस अपवर्ड एंड बैकवर्ड और ये कैसे जाती है ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड ठीक है इसकी जो पोजिशन होगी वो कैसे होगी अपवर्ड एंड बैकवर्ड नेक्स्ट है द लेक्टोवेलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया रिजाइडिंग विद इन द वजाइना सिक्रिट लैक्टिक एसिड दैट मेंटेन्स एन एसिडिक पीएच विद इन द वजाइना जो क्या है लैक्टोवेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है वेजाइना में या वेजाइना से जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ठीक जो क्या करता है लैक्टिक एसिड को मेंटेन करके रखता है या फिर जो लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करता है जो बैक्टीरिया क्या करेगा लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करेगा और जो वेजाइना का पी है है उसको मैंटेन करके रखता है कौन लेक्टोवेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया वॉल्स ऑफ वजाइना वजाइना की क्या है वॉल्स भी होती हैं वजाइना हैज़ गोट एंटीरियर पोस्टीरियर एंड टू लेटरल वॉल्स जो वजाइना है वो कितनी वॉल्स से मिलकर बनी है चार एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर और दो लेटरल जो एंटीरियर वाली जो वॉल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है सेवन सेंटीमीटर जो पोस्टीरियर वाली वॉल होगी वो उसकी लंबाई कितनी होती है नाइन सेंटीमीटर स्ट्रक्चर्स ऑफ़ वेजाइना वेजाइना के क्या हैं स्ट्रक्चर्स भी होते हैं वेजाइना किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है द बॉल ऑफ वेजाइना फॉर्म्ड ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ टिशू तीन तरीके की लेयर से मिलकर बनी होती है कौन वेजाइना या फिर वेजाइना की वॉल्स फर्स्ट आउटर कवरिंग ऑफ एर एरियोलार टिशू जो आउटर कवरिंग होती है ठीक है किसकी बनी होती है वो एरियोलार टिशू की सेकेंड मिडल लेयर जो किस चीज़ की बनी होगी स्मूथ मसल्स की या जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी स्मूथ मसल्स थर्ड है इनर लेयर ये क्या होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामा सेपीथिलियम की बनी होती है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामा सेपीथीलियम की क्या होगी ये लेयर होगी थर्ड लेयर नेक्स्ट है वजाइनल सिक्रीशन वजाइना से सिक्रीशन भी होता है ठीक है द वजाइनल पी एच फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपोस इज एसिडिक जो वजाइना का पी एच है वो प्यूबर्टी से लेकर मीनोपोस तक किस कंडीशन में रहता है एसिडिक कंडीशन में किस वजह से रहता है बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ डोडलिंस वेसिलाई विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जो किसकी वजह से प्रजेंस रहता है ये डोडलिनस वेसिलाई की वजह से जो एसिडिक पीएच है वो मेंटेन रहता है कब से कब तक प्यूबर्टी से लेके मीनोपोज तक क्यों क्योंकि ये क्या है जो जो ये वेसिलाई है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवाता है नेक्स्ट है द पी एच ऑफ वेजाइना वेरीज़ विद द एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी एंड रेंजेस बिटवीन फोर टू फाइव जो वजाइना का पी एच है वो क्या होता है डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, या जो पर्सन है फीमेल है उसकी एज पे। क्योंकि जो पी एच होता है वेजाइना का प्यूबर्टी से पहले अलग होता है मीनोपोस के बाद अलग होता है तो ये किस पे डिपेंड करता है ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन पे ठीक है इस्ट्रोजन की एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है लेकिन अगर हम रेंज में देखें कि जो वजाइना है उसका पीएच कितना होता है एक रेंज में देखें तो वजाइना का पीएच होता है चार से पाँच फंक्शंस ऑफ वजाइना वजाइना के कुछ फंक्शंस भी होते हैं कार्य होते हैं जो वजाइना क्या है इन सब कार्यों को करती है फर्स्ट है इट्स एक्ट एज अ पासिज फॉर द बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बच्चों को पैदा करवाने का रास्ता प्रोवाइड करती है कौन बेजाइना सेकेंड है इट इज़ लिंक बिटवीन द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जनाइटल ऑर्गन्स को दोनों के बीच में लिंक का कार्य करती है कौन वजाइना नेक्स्ट सेकेंड पढ़ेंगे हम यूट्रस। यूट्रस क्या है सेकेंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका फीमेल का द यूट्रस इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन जो यूट्रस होता है फीमेल का जो गर्भाशय होता है वो किसकी तरह होता है नाशपाती के आकार का होता है और एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है देट लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम और ये कहाँ सिचुएटेड होता है इसके आगे की साइड क्या होता है यूरिनरी ब्लेडर होता है एंड पीछे की साइड रेक्टम प्रजेंट होता है और ये हमारा यूट्रस मेनली हम क्या बोल सकते हैं कि यूट्रस हमारा कहाँ प्रजेंट होता है पेल्विक कैविटी में या पेल्विक कैविटी के अंदर नेक्स्ट है इट्स नॉर्मल पोजीशन इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो क्या होती है एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लक्शन इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है किसकी गर्भाशय की वो क्या होती है एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लक्शन इट्स अबाउट सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग फाइव सेंटीमीटर वाइड एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थिक ये क्या होता है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फाइव सेंटीमीटर वाइड होता है एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थिक होता है कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि एट सेंटीमीटर इसकी लेंथ कितनी होती है यूट्रस की एट सेंटीमीटर तो हम ऐसे बोल सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव से एट सेंटीमीटर क्या होती है यूट्रस की लेंथ होती है इट्स वेट अबाउट सिक्सटी ग्राम और जो यूट्रस का वजन होता है वो कितना होता है साठ ग्राम और अगर हम एवरेज में देखते हैं तो कितना बोलेंगे पचास से अस्सी ग्राम नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ़ यूट्रस यूट्रस भी क्या है कुछ लेयर से मिलकर बना है कितनी लेयर से मिलकर बना है यूट्रस पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम क्या होती है यूट्रस की जो आउटर मोस्ट लेयर है यो जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम क्या होती है यूट्रस की जो, जो मिडल लेयर होती है और जो किसका काम करवाती है कॉन्ट्रेक्शन का काम करवाती है ठीक है क्योंकि ये मसल्स की बनी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड लास्ट है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम किस चीज़ में हेल्प करवाती है प्रेगनेंसी में एंडुमेत्रिय मीन्स जो बेबी है इम्प्लांटेड होके कहाँ आके जुड़ता है एंडोमेट्रियम से ठीक है और किस चीज़ में हेल्प करवाती है एंडोमेट्रियम में शेड डाउन होके क्या करवाती है मेंसेस करवाती है फीमेल में तो ये तीन लेयर होती हैं किसकी यूट्रस की पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर मायोमेट्रियम मिडल लेयर एंड एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ यूट्रस यूट्रस के कुछ पार्ट्स भी होते हैं द यूटरस डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स यूटरस कितने पार्ट में डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में फर्स्ट फंडस यूटरस का पहला पार्ट कौन सा है फ़ंडस द फंडस इज़ द डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूटरस अब ऑफ द लेवल ऑफ़ द अटैचमेंट ऑफ़ द यूटराइन ट्यूब्स और फेलोपिन ट्यूब जो फंडस है ये क्या होता है यूटरस का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है और ये किस शेप का होता है डोम शेप का होता है और ये प्रजेंट कहाँ होता है जहाँ से हमने यूटराइन ट्यूब्स अटैच होते हैं ठीक है जहाँ से यूट्रस में यूट्राइन ट्यूब अटैच होते हैं उसका अपर वाला जो पार्ट होगा उसके अपर साइड जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं फंडस नेक्स्ट इसमें हमारा बॉडी यूट्रस का सेकेंड पार्ट क्या होता है बॉडी द बॉडी इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द यूट्रस यूट्रस का मिडल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस या फिर बॉडी इट बिकम्स नेरो टुवर्ड्स द सर्विक्स जैसे धीरे धीरे ये नीचे की साइड आता है ये पार्ट यानी जो बॉडी है वो नीचे की साइड आती है यूट्रस की तो क्या हो जाती है नरों होने लगती है संक्रिय हो जाती है ठीक है नेक्स्ट है थर्ड सर्विक्स सर्विक्स और बॉडी के बीच में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इस हम इस्थम्स बोलते हैं जो क्या करता है कनेक्शन का वर्क करता है इस्थम्स क्या करेगा बॉडी और सर्विक्स को आपस में जोड़ने का वर्क करता है नेक्स्ट है इसमें सर्विक्स द सर्विक्स इज़ द नेक ऑफ द यूटरस यूटरस की जो नेक होती है उसको क्या बोलते हैं हम सर्विक्स इट ओपनस इन टू द वेजाइनल एट द एक्सटर्नल ओवेस और ये कहाँ खुलता है जो वेजाइना का एक्सटर्नल ओएस है वहाँ की साइड ये क्या है ओपन होता है या खुलता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूटरस यूट्रस में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जो क्या करते हैं यूट्रस की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं ठीक है यूट्रस की पोजीशन को भी मेंटेन करके रखते हैं और जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे फेलोपियन ट्यूब है ओवरी है वेजाइना है इन सब की भी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं और इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट है ब्रॉड लिगामेंट मीन्स लिगामेंट होते हैं जो क्या करेंगे यूट्रस की शेप जो जो पोजिशन है उसको मैंटेन करके रखते हैं ठीक है यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब को और ओवरी को तो फर्स्ट कौन सा लिगामेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट एंड देन सेकेंड होता है राउंड लिगामेंट थर्ड होता है यूटेरोक्रल लिगामेंट एंड फोर्थ होता है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट ये सारे लिगामेंट की चीज़ में हेल्प करते हैं जो यूट्रस से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो अदर ऑर्गन्स हो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज लाइक ओवरी फेलोपियन और वजाइना नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द यूटरस यूटरस के कुछ कार्य भी होते हैं द यूटराइन सिक्रीशन नरिश द ओवम बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं यहाँ पे सॉरी इम्प्लांटेशन होगा ठीक है इम्प्लांटेशन जो यूटराइन सिक्रीशन है ठीक है यूट्रस क्या काम करता है ये क्या करेगा सिक्रीशन करता है कुछ सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है जिससे क्या है जो ओवम होता है उसको नरिशमेंट मिलता है इम्प्लानशन से पहले सेकेंड है द यूट्रस ग्रो टू अकोमोडेट द डेवलपिंग फीटस और यूट्रस की चीज़ में हेल्प करता है जो डेवलपिंग फ़ीटस है उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है द प्लसेंटा अटेज टू द बोल ऑफ द एंडोमेट्रियम कनेक्ट द फीटस थ्रू द अम्बलाइकल कोड जो जो प्लासेंटा है वो क्या करता है अटैच्ड किस होता है एंडोमेट्रियम से और एंडोमेट्रियम किस लेयर है यूटरस की ठीक है तो क्या करवाते हैं हमारा यूट्रस का काम क्या होता है एक ये क्या करेगा प्लासेंटा का डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट करता है ठीक है जिसके थ्रू क्या होता है बच्चे को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है फोर्थ द यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन हेल्प इन एक्सपेलिंग द बेबी आउट ऑफ द यूटरस ड्यूरिंग चाइल्ड वर्थ और जो यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन है वो भी कौन करवाने का काम करता है यूट्रस तो यूट्राइन जो यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन है वो क्या करते हैं बेबी को बर्थ करवाने में बाहर हेल्प करते हैं तो यूट्रस का एक वर्क ये भी होता है कि बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट करवाना कि क्या जनरेट करके कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवा कर नेक्स्ट है इसमें हमारा थर्ड इंटरनल ऑर्गन क्या है ओवरीज ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए ओवोल्यूशन के लिए द फीमेल गोनार्ट्स कंसिस्ट ऑफ टू ओवरीज जो फीमेल हैं ठीक है फीमेल के अंदर कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं वन ऑन ईच आइदर साइड ऑफ द यूट्रस और एक एक क्या है यूट्रस के आइदर साइड प्रेजेंट होती है दोनों साइड एक एक क्या है ओवरी प्रेजेंट होती है यूट्रस की ईच ओवरी अप्रोक्सीमेटली थ्री थ्री टू फाइव सेंटीमीटर लोंग क्या है जो एक ओवरी है उसकी लेंथ कितनी होती है तीन से पाँच सेंटीमीटर ये चौड़ाई कितनी होती है टू से थ्री सेंटीमीटर और जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है एक से तीन सेंटीमीटर लेकिन होगी किस टाइम पर जिस टाइम पर मेस्टल ईयर चलेगा मैं जब तक उसको क्या होंगे मेनसेस होगी नेक्स्ट है द ओवरी अटेस्ड टू द ब्रॉड लिगामेंट और जो ओवरी होती है वो किससे अटेस्ड होती है ब्रॉड लिगामेंट से मीन्स ब्रॉड लिगामेंट क्या करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किस को ओवरी को द ओवरी इज़ कम्पोज ऑफ मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स और ओवरी के भी टू पार्ट्स होते हैं कौन कौन से मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स जो किससे कवर होते हैं एक जर्मिनल एपिथिलियम लेयर होती है जिससे क्या है मेड्यूला और कॉर्टेक्स कवर होते हैं नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ओवरीज ओवरीज के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं फर्स्ट है ओजेनिसिस ओवरी किस चीज़ में हेल्प करती है ओवम के प्रोडक्शन में हेल्प करती है ठीक है ओजेनिसिस ओवम का बनना ओवम का जो बर्थ करवाना या ओवम के जो बनने का प्रोसेस है उसमें क्या करती है ओवरी हेल्प करती है ओवोल्यूशन में भी ये हेल्प करती है ठीक है है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजोस्ट्रोन के सिक्रीशन में भी क्या करती है ये हेल्प करती है नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब जिनको हम यूटराइन ट्यूब्स भी बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स अप्रॉक्सीमेटली टेन सेंटीमीटर यूजअली टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इन लेंथ कनेक्टिंग द ओवरेज टू द यूट्रस जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है दस सेंटीमीटर लेकिन यूजअली हम इसको कितना बोल सकते हैं दस से बारह सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और ये किससे कनेक्ट होता है जो हमारे फेलोपियन ट्यूब है ये यूट्रस से स्टार्ट होते हैं यूट्रस के जो फंडस के नीचे वाला जो पार्ट होता है ठीक है वहाँ से क्या है ये जुड़े हुए होते हैं और कनेक्ट किससे होते हैं ये थोड़े बहुत ये ओवरी से भी कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट है ओवा आर कैरीड टू द यूट्रस थ्रू द फेलोपियन ट्यूब फॉलोविंग एवोल्यूशन और क्या करता है जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है वो क्या करेगा ओवम को क्या करता है केरी करता है किस लिए जो ओवोलूट्री ओवम है जो जिसका ओवम का ओवल्यूशन हो गया है ओवरी ने क्या कर दिया है उस ओवम को पूरा मेच्योर कर दिया है तो ओ, क्या करता है फेलोपियन ट्यूब ओवरी से उस ओवम को ले लेता है ठीक है उसमें फिबरे लगे होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके थ्रू क्या होता है ओवरी से क्या होता है जो ओ, ओवम होता है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है ठीक है और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद वो ओवम कहाँ जाता है यूट्रस में ठीक है एम्पुलरी पार्ट ऑफ़ द ट्यूब इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा विद इस्पम और क्या है अगर उस टाइम पे जो ओवम है कहाँ आ गया है फेलोपियन ट्यूब में आ गया है और उस टाइम पे क्या हुआ उस ओवम को स्पम मिल गया कहाँ फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब की भी कौन से वाले पार्ट में एम्पुला वाले पार्ट में ठीक है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम और स्पम का नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स इट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स फेलोपियन ट्यूब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है चार पार्ट्स में फर्स्ट है इंटरथेसियल पोर्शन इंटरथेसियल पोर्शन और इंट्राम्यूरल पार्ट वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूटरस इट्स ल्यूमन वन एम एम वाइड जो क्या है इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है इसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं और ये फर्स्ट पार्ट होता है कि इसका फेलोपियन ट्यूब का इसकी लेंथ होती है वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर या ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है ठीक है और इसका जो डाया होगा वो कितना होगा वन एम एम और ये स्टार्ट कहाँ से होता ये है ये यूट्रस है ठीक है यूट्रस की जो वॉल होती है वहाँ से क्या होगा ये स्टार्ट होगा फंडस के नीचे के साइड से ठीक है ये पहला पार्ट होता है और वहाँ से क्या होता है ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट है स्थमस इट इज़ अ स्ट्रेट पार्ट ये क्या होता है इंटरस्टिशियल के बाद थोड़ा आगे को चल के एक स्ट्रेट पार्ट होता है जिसकी लेंथ होती है तीन से चार सेंटीमीटर मेजरिंग आउट थ्री टू फोर सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टू एम एम इन डायमीटर और इसका डायमीटर कितना होता है दो एम एम का और इसकी लेंथ कितनी होती है थ्री से फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट है थर्ड एम्पुला एम्पुला क्या होता है ये वाइडर पार्ट होता है किसका फेलोपियन ट्यूब का और इसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और हिस्सम का नेक्स्ट इसमें देखिए वाइडर पोर्शन वेयर फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स क्या होता है ये वाइडर पार्ट होता है चोड़ा पार्ट होता है किसका फेलोपियन ट्यूब का और यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इट इज़ फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता 5 है पाँच सेंटीमीटर एम्पला इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो एम्पला है वो क्या है फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ठीक है सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है फेलोपियन ट्यूब का एम्फुला और इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसकी लेंथ होती है पाँच सेंटीमीटर नेक्स्ट है फोर्थ वाला इन्फनडीमुलम जो फेलोपियन ट्यूब का फोर्थ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम इन्फनडिमुलम इट इज़ फनल शेप्ड लेटरल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब का जो लेटरल एंड होते हैं जो फनल शेप्ड के होते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं इन फंडिबुलम देट ओवर द ओवरी जो किस से कनेक्ट होंगे ओवरी से इट इज़ अबाउट वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग और ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है डेढ़ सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना होता है सिक्स एम सिक्स एम एम नेक्स्ट ये देखिए यूट्रस का स्ट्रक्चर यूट्रस में सबसे अपर पार्ट जो दिख रहा है हमें सबसे अपर साइड दिख रहा है फंडस ठीक है सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था यूट्रस का फंडस देन उसके बाद हमने बॉडी पढ़ी थी देन सर्विक्स ठीक तो फंडस क्या है सबसे अपर वाला पार्ट है और हम जो फंडस वाले पार्ट से लेके और जो बॉडी वाले पार्ट तक को मिला के जो बोलते हैं हम उसको कॉर्पस बोलते हैं और इसकी पूरी लेंथ को जब हम बोलेंगे मिला के तो फाइव सेंटीमीटर हम इसकी लेंथ बोलेंगे लेकिन जो हमारी बॉडी है या बॉडी ऑफ द यूट्रस या फिर बॉडी कैविटी है उसकी लेंथ कितनी होती है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और जो हमारा सर्विक्स है उसकी लेंथ कितनी होती है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और सर्विक्स को और बॉडी को जोड़ने का वर्क जो कर रहा है वो कौन कर रहा है इस्थमस और इस्थमस की लेंथ कितनी है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक नेक्स्ट हम इस साइड आ जाते हैं इसमें देखते हैं एनाटोमिकल इंटरनल ओएस क्या है ओपनिंग होती है दो ठीक एक तो इंटरनल ओ एस होता है और एक एक्सटर्नल एक ओ एस इंटरनल ओ एस कहाँ प्रजेंट हम ईज़िली इसमें इमेज में विजुलाइज़ कर सकते हैं ठीक है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस प्रजेंट है ईज़िली विजुलाइज़ कर सकते हैं आप सुप्रावेजाइनल पोर्शन भी इसमें ईजिली विज़ुलाइज कर सकते हैं पोर्शियो ठीक एंड एक्सटर्नल ओ एस इसको भी आप ईज़िली विज़ुलाइज़ कर सकते हैं तो मेनली किस पे हमें फोकस करना है यूट्रस के पार्ट्स पे पहला क्या फंडस देन ये जो पार्ट्स है इसको लगा कर और बॉडी ऑफ द कैविटी को लगा कर अगर हम काउंट करें तो इसको क्या बोलेंगे कॉर्पस और इसकी लेंथ कितनी होगी पाँच सेंटीमीटर और ओनली हम बॉडी कैविटी को अगर हम काउंट करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ अगर हम काउंट करते हैं तो उसकी लेंथ है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और बॉडी और सर्विक्स को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है इस्थमस एक नेरोइंग पार्ट है छोटा सा जिसको हम इस्थमस बोल रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है ज़ीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे ये हमारे यूट्रस का स्ट्रक्चर है ठीक है नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जनाइटल ऑर्गन्स इसमें हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए फेलोपियन ट्यूब, ठीक देन उसके बाद हमारा क्या है ओवरी देन उसके बाद हमारा यूट्रस प्रेजेंट है यूट्रस की पोजीशन कैसी है एंटी वर्जन एंड एंटी और यूट्रस प्रेजेंट क्या दे आप देख सकते हैं यूट्रस के पीछे की साइड क्या है रेक्टम प्रेजेंट है कोलोन और आगे की साइड क्या है यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट है नेक्स्ट क्या है यूटरस के बाद यूरिनरी ब्लेडर देन हमारी प्यूबिक बोन आ जाती है देन हमारा क्लाइटोरिस आ जाता है लेबिया मेजोरा आ जाती है हमारी एंड लेबिया माइनोरा, देन इस साइड देख लीजिए क्या है रेक्टम प्रजेंट है जो किसके पीछे है यूट्रस के देन सर्विक्स देन सर्वाइकल ओएस मीन्स सर्वाइकल ओपनिंग बारथोलि ग्लैंड देन उसके बाद आता हमारा एन यूरेथ्रा एंड वेजाइना ये क्या है हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स दोनों ही क्या हैं इस इमेज में प्रेजेंट हैं और आप इजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है अब हम पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं कि जो हमने पढ़े थे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स तो उन फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को हम इजीली क्या है इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं अब आप देख सकते हैं हमारे यूट्रेस से क्या कनेक्ट है फेलोपियन ट्यूब और हमारे यूट्रेस से ही क्या कनेक्ट है ओवरी तो पहला क्या है फंडस ऑफ द यूट्रस यूट्रस का कौन सा वाला पार्ट है फंडस फंडस वाले पार्ट के थोड़ी ब्लो साइड से ही पहला पार्ट स्टार्ट होता है किसका फेलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट क्या है इंटरसीशियल पार्ट या इंट्राम्यूरल म्यूरल पार्ट देन उसके बाद क्या है थोड़ा स्ट्रेट गया उसको क्या बोलेंगे हम इस्थमस देन उसके बाद कौन सा पार्ट आता है हमारा वाइडर पार्ट आता है एक उसको हम बोलते हैं क्या एम्पुला एंड लास्ट में क्या है जहाँ पे फिबरे है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं उसको क्या बोलते हैं हम इन फंडी ठीक है देन उसके बाद क्या हमारी ओवरी प्रजेंट है हम ओवरी को ईजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं जब ओवोल्यूशन हो जाता है इसमें क्या है अंडा बन जाता है मेच्योर हो जाता है तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये फैलोपियन ट्यूब के ये क्या करते हैं इस इसके थ्रू क्या होता है ओवम फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फेलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में क्या होता है जो ओवम है और इस है उनका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो ओवम है वो किसके थ्रू आता है ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनके थ्रू ओवरी से क्या करता है फेलोपियन ट्यूब ओवम को ले लेता है और इस पार्ट में क्या होता है इसका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम इजली इस इसमें सारे पार्ट्स देख सकते हैं और ओवरी भी देख सकते हैं और ये एक व्यू है सिर्फ इसी साइड नहीं दोनों साइड क्या है एक फैलोपियन ट्यूब राइट साइड प्रेजेंट होता है एक फलोपियन ट्यूब लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एक ओवरी राइट साइड प्रेजेंट होती है यूट्रस के और तार एक ओवरी लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है यूट्रस के और जो दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं और दो ओवरी होती हैं और इन सब को जो जोड़ के रखते हैं कुछ लिगामेंट होते हैं जो इन सब की पोजिशन को मेनटेन करके रखते हैं और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे राउंड लिगामेंट ठीक है ब्रॉड लिगामेंट और भी बहुत सारे लिगामेंट हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं तो इमेज के थ्रू आप इजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना जितना है ये इनफ है आपके पढ़ने के लिए और आपका नोट्स बनाने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू सो मच